नमस्कार, टूटे फाट लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जो पुलिस जनता की रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा में लगा रहता है, आज उस वर्दी पर एक अपराधी द्वारा दाग लगा दिया गया और वो भी सैकड़ों लोगों के बीच में। धिकार है ऐसे व्यक्तियों पर। क्या आपको पता है, जिस वक्त हम लोग अपने घरों में रहकर त्योहार मनाते हैं, होलियां मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, उस वक्त और उस समय भी सिपाही अपने परिवार को छोड़कर हमारे बीच रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो लोग 24 घंटा तत्पर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पुलिस की हार है, तो आपकी सोच गलत है। ये पुलिस प्रशासन की हार नहीं, बल्कि आपकी और हमारी हार है। दिल्ली के मायापुरी में एक ईमानदार और संघर्षशील एएसआई की हत्या और एक युवक को चाकू की नोक पर बंधक बनाए जाने का वीडियो सामने आया है। दिल्ली के मायापुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के एएसआई की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए पेंटर को बंधक बनाया था। आरोपी को घटना वाले दिन यानी 4 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उस घटना का वीडियो आज वायरल हुआ है। दिल्ली के मायापुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के एएसआई की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। घटना उस दौरान हुई थी जब मोबाइल छीनने वाला अपराधी अनीश को एएसआई शंभु दयाल पकड़कर लेके जा रहे थे, तभी अनीश ने मौका पाकर चाकू से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हाथ में डंडा लिए शंभु दयाल ने फिर भी हत्यारों को दौड़ाने की कोशिश किया, पकड़ने की कोशिश किया। चाकू मारने के बाद अनीश ने जमकर हंगामा मचाया था और पुलिस से बचने के लिए एक बिल्डिंग में घुसकर मजदूर को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। लाइन पे गया था, उनके मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, उसके बाद फोन छीने के बाद लेके दौड़ चाकू लेके दौड़ आया। फिर मैं दौड़ते दौड़ते गई, फिर उसको मोबाइल मांगने लगे, भैया मोबाइल दे दे, मोबाइल नहीं दे रहा, चाकू दिखा के दौड़ा रहा मेरे को। थाने पे गई, सर को लेके आई, फिर उसके बाद सर आए, पकड़े चोर का, लेके आ रहे थे इधर, फिर यहीं पे वार कर दिया, चाकू निकाल के मारने लगा। बताया जा रहा है ये आरोपी है और इस मामूली से चोर के कारण आज दिल्ली पुलिस को एक बहादुर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को खो दिया। बाकी खुला शब्द खुला से बना है, जिसका अर्थ होता है खाकी रंग का जूट से बना हुआ एक थैला। और उत्तर भारत के लोग पुलिस वालों को खुला इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस वाले का कामकाज एक थैले की तरह ढीला ढाला होता है और वो रिश्वतखोरी करते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सर्वे के मुताबिक भारत के हर 10 में से 8 लोग ये मानते हैं कि पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, जबकि ये सच बिल्कुल नहीं है। ये पुलिसकर्मी हमने जो आपको दिखाया, ये पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, चाहता तो अपनी जान बचाने के लिए उस चोर को जाने देता, लेकिन नहीं जाने दिया। इसलिए आप सब की तरफ से आज हम इस बहादुर पुलिसकर्मी को अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और इनकी मृत्यु का हमें बेहद दुख है और आपको भी होना चाहिए। आज भारत में कुल 30 लाख